मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू द्वारा ओपीएस बहाली की घोषणा के बाद जहां पूरे प्रदेश में जश्न का माहौल है, तो वहीं कुल्लू में एमपीएस कर्मचारियों ने नाटी डालकर जश्न मनाया। सबसे पहले गौट निवास में कर्मचारी एकत्र हुए और लड्डू बांटकर खुशी मनाई। यही नहीं, सुखू सरकार जिंदाबाद के नारों से भी कुल्लू गूंज उठा। इसके बाद सभी कर्मचारी नाटी में झूम उठे और खूब जश्न मनाया। इस अवसर पर एनपीएस कर्मचारी संघ जिला अध्यक्ष विनोद डोगरा ने कहा कि लंबे अरसे से चली आ रही मांग सुखू सरकार द्वारा पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि सरकार आते ही पहली कैबिनेट की बैठक में ओपीएस बहाल होगी और कांग्रेस सरकार ने अपना वायदा निभाया है, जिसे प्रदेश भर के कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा बढ़ी है और अब कर्मचारी सुरक्षित हो गए हैं। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश की भांति कुल्लू जिला से भी ओपीएस की बहाली को लेकर बड़ा सम्मेलन होगा। इस अवसर पर जिला के पदाधिकारियों ने जश्न में भाग लिया और कहा कि 19 वर्षों बाद उनकी जीत हुई है। आज 13 जनवरी 2023 को लोहड़ी के इस पावन दिन पर हिमाचल प्रदेश सरकार की जो पहली कैबिनेट बैठक शिमला में हुई है, और जैसी हमें रिपोर्ट्स आ रही हैं मीडिया के माध्यम से, हम लोग देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने ओपीएस की घोषणा जो है लागू करने की घोषणा जो है इस वक्त कर दी है, और सचिवालय से बाहर आकर कर्मचारियों के बीच में आकर उन्होंने इस घोषणा को किया है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत लंबे समय से एक संघर्ष हिमाचल प्रदेश में चल रहा था पुरानी पेंशन बहाली के लिए, जिसमें बहुत लोगों का सहयोग और बहुत कर्मचारियों ने बहुत तरह की के बलिदान भी दिए हैं, अपने आप के लिए बहुत सारी मुसीबतें भी खड़ी की हैं अपने लिए। लेकिन इस लंबे संघर्ष के बाद आज जो ये दिन आया है, मुझे लगता है ये हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी इतिहास में ही नहीं, हिमाचल प्रदेश के इतिहास में भी एक महत्वपूर्ण दिन है। ये दिन याद किया जाएगा इस बात के लिए कि 19 साल पहले 15 मई 2003 को जिस प्रकार से काला कानून हिमाचल प्रदेश में एनपीएस नाम का लागू हुआ था, आज उस कानून को हमेशा के लिए मुख्यमंत्री जी ने इस घोषणा के द्वारा ख़त्म करने की बात की है। और पुरानी पेंशन जो कि किसी भी एक कर्मचारी का, हिमाचल प्रदेश के 1.5 लाख कर्मचारी जो एनपीएस के तहत आते थे, आज उन सभी को, उन सभी के जीवन में एक आत्मसम्मान और एक सामाजिक सुरक्षा का जो एक एहसास इस सरकार ने दिलाया है, उसके लिए मैं एनपीएससीए जिला कुल्लू की हमारी पूरी टीम जो यहाँ आज मौजूद है और जश्न का माहौल है, सभी लोग बहुत खुश हैं। इन लोगों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है आज के इस दिन के लिए, और आज इस दिन इन सभी की तरफ से हम हिमाचल प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी इसी प्रकार के जनहित के निर्णय जो हैं लेते रहेंगे।